हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ये तीन प्रोडक्ट के बारे में। इन्हें परचेस करके मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है दोस्तों। पास्ट टू ईयर से मैंने बहुत सारे कोरियन प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये तीन प्रोडक्ट परचेस करके खुश नहीं हूँ, या मैं इन्हें यूज भी नहीं कर रही हूँ दोस्तों, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रोडक्ट है ये मोजिटो फेस मिस्ट है, द सिम की तरफ से है ये, और ये मैंने ग्रेपफ्रूट फ्लेवर में खरीदा था, और इसे मैंने जोलसे से खरीदा था। अराउंड $8 कुछ तो इसका प्राइस था, प्लस शिपिंग भी था, तो ये कुछ सस्ता नहीं है। 650 तक इसका प्राइस हो सकता है दोस्तों। और इसका स्मेल जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जैसे मैं इसे फेस पे यूज करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा स्टिंग होता है, बहुत ज्यादा जलन होना स्टार्ट होता है, तो मैं इसे यूज ही नहीं करती हूँ। बर्निंग सेंसेशन और स्ट्रांग फ्रेग्रेंस की वजह से मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो अभी पता नहीं मैं इसे कैसे यूज करूंगी। मे बी मैं इसे बॉडी मिस्ट यूज करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करने हैं दोस्तों। दूसरा प्रोडक्ट है आयन लिप का प्योर स्नेल रिकवरी आई क्रीम है दोस्तों। रिंकल केयर, व्हाइटनिंग इफेक्ट, ये सब बोला गया है, ये सब कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। आयन लिप जो ब्रांड है वो ब्यूटीनेट कोरिया का होम ब्रांड है दोस्तों, और इसका भी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है दोस्तों। आप यूज ही नहीं कर पाओगे, इतना स्ट्रांग फ्रेग्रेंस है इसका। यस, ये काफी अच्छे से आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और एकदम जेल लाइक इसका कंसिस्टेंसी है दोस्तों। लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट इसकी खुशबू की वजह से बिल्कुल नहीं पसंद आया। ये देखिए, इसे मैं एज ए हैंड क्रीम यूज करूंगी और फिनिश करूंगी दोस्तों, क्योंकि मुझे मेरे पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करने हैं। एज ए हैंड क्रीम भी यूज करने का मन नहीं हो रहा है, इतना इसका स्मेल स्ट्रांग है दोस्तों। तीसरा प्रोडक्ट है ऑल अराउंड सेफ ब्लॉक सीबम जीरो सनस्क्रीन है मीशा की तरफ से। SPF 50 PA3 का रेटिंग है। इसका पैकेजिंग भी काफी अच्छा है, प्लास्टिक का स्क्रू कैप आती है इसे, और नोजल आता है, तो पैकेजिंग वाइज काफी अच्छा है दोस्तों। लेकिन ये बहुत ज्यादा व्हाइट कास्ट देता है, ये मेरे लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट था दोस्तों। एटलीस्ट 1/4 टीस्पून आपको फेस पे यूज करना रहता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होता है अच्छे से, और बहुत ज्यादा व्हाइट कास्ट देता है। आप देख सकते हो, मे बी कैमरे में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा व्हाइट कास्ट देता है दोस्तों। बहुत ज्यादा फेयर स्किन रहेगी तो वो पर्सन इसे यूज कर सकता है, लेकिन आपकी एक नॉर्मल इंडियन स्किन रहेगी, एक नॉर्मल अपना इंडियन जो कलर रहता है ब्राउन स्किन वाला, वैसा अगर आपका कलर रहेगा तो आप बिल्कुल भी इसे परचेस मत कीजिए, टोटली वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा व्हाइट कास्ट देता है। मैंने बहुत सारे इसके रिव्यूज पढ़े थे इसे बाय करने से पहले, लेकिन वो फॉरेनर्स के थे, वो लोग पहले से ही बहुत ज्यादा गोरे रहते हैं, तो उनको इतना व्हाइट कास्ट नहीं लगा, और वो रिव्यूज देख के मैंने इसे परचेस किया था। अराउंड इसका प्राइस जो है $10 था दोस्तों, और प्लस मैंने शिपिंग भी दिया था। तो दोस्तों, इनमें से कोई प्रोडक्ट आप परचेस करने का सोच रहे हो तो जरूर बहुत सारा रिसर्च कीजिए, फिर ही आपका डिसीजन लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर यस तो जरूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको बहुत सारी अलग अलग वीडियोस देखने मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।